तो सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़े एक कमेटी का गठन किया और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। बड़ी खबर, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह मान, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, ये बड़ी खबर। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अनिल धनवट जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि इस कमेटी का खुद हिस्सा है। धनवट साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो फैसला लिया गया है मान साहब की तरफ से, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये तो मान साहब का निजी फैसला है और उन्होंने क्यों लिया है ये तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो तो बस चाहते हैं कि पंजाब के किसानों के साथ रहे, इसलिए उन्होंने कमेटी से विड्रॉ किया है। तो ये उनकी उनका निजी फैसला है। तो जो भी है हम आगे देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या ऑर्डर करती है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। धनवट साहब, एक सवाल ये है कि जिस वक्त से एक कमेटी बनी है, कई लोग ऐसे हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उन लोगों से? नहीं, सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि इतना बड़ा मसला हुआ है, पूरी दुनिया का इस पे ध्यान है, तो सवाल उठते रहेंगे। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही एक कमेटी बनाई गई है। और जो आंदोलन करने वाले किसान है उनका क्या कहना है ये जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। हम तहे दिल से इन किसानों के पास जाके उनको जो चाहिए वो हम समझ लेंगे और वो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि इन किसानों के लिए ये इनकी ये डिमांड है और ये ऐसे पूरी की जा सकती है, ना कि साजिश की जा सकती है। सर, मैं आपको रुकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी कमेटी से सिर्फ भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग किया है, बाकी सदस्य भी जल्द कमेटी का साथ छोड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए, ये कमेंट क्या दर्शाता है, अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह कह रहे हैं घनवट साहब कि देखिए बाकी सदस्य भी जल्द छोड़ देंगे कमेटी। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मेवारी दी है और मुझे नियुक्त किया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि आप इसमें से बाहर हो जाओ या कमेटी खारिज की गई है या आपका सदस्यत्व रद्द किया गया है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता या निकलना भी नहीं चाहता। नहीं, अनिल साहब, क्या तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो प्रेशर बना रहे हैं इन सदस्यों पर, क्या मान साहब के ऊपर ही प्रेशर बनाया गया होगा? मुझे मालूम नहीं, मैं दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर हूँ, तो वहाँ क्या सिचुएशन या क्या परिस्थिति आई मैं नहीं जानता, इसलिए मैं इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अब आपसे ये समझना चाहूंगा सर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कमेटी में जो 3 सदस्य हैं जिनमें आपका नाम भी वो बार बार लेते हैं किसान नेता, कि इनके ऊपर भरोसा करना हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इनके पक्षपाती फैसले हो सकते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कहीं ना कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा। हम तो अपना रिपोर्ट वहाँ दर्ज कर देंगे, वो स्वीकार करना है नहीं करना है ये आगे की बात है, लेकिन हम क्या परोस रहे हैं ये तो देखना चाहिए। आपके हित में होगा और फिर भी आप उसको नहीं स्वीकारेंगे तो ये आपकी मर्जी, आपके खिलाफ होगा तो आप स्वीकारेंगे नहीं ये भी हम जानते हैं, लेकिन एक चीज तो तय करना चाहिए कि जो सिस्टम अभी इस कृषि विभाग में जारी है तो वो किसानों के लिए अच्छी नहीं है। तो दूसरा तो भी सिस्टम होना चाहिए, तो वो सिस्टम तैयार करने की प्रोसीजर शुरू हो गई है और हम भी एक उसमें से सुझाव देंगे गवर्नमेंट को, इस तरह से अगर होता है तो आंदोलन करने वाले किसानों का फायदा होगा, पंजाब के किसानों का फायदा होगा और पूरे देश के किसानों का फायदा होगा। इस तरह का सोल्यूशन देने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हम वो पूरी तरह से निभाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। गणवट साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि कमेटी की रूपरेखा क्या होगी? किसान तो ज्यादातर मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, क्या कमेटी किसानों के पास जाकर बातचीत करने की कोशिश करेगी? जरूर करेगी, ये वो भी हमारे भाई है, किसान भाई है। मैंने कई बार पंजाब के किसानों के लिए हजारों किसान लेके मैं पंजाब में आया हूँ, उनके साथ हमने लड़ाई लड़ी है, उनके साथ हम इससे पहले भी रास्ते पे बैठे हैं, वाघा बॉर्डर तक गेहूँ लेके हम गए हैं। ये हमारे भाई है, हमारे दुश्मन नहीं है, ये लड़ाई हम दोनों में नहीं है, हम ये तो हमारे भाई है, हम उनके साथ जरूर जाके बात करेंगे, उनके साथ बैठ के वहाँ खाना खाएंगे, चर्चा का हल निकलना है, बाकी राजनीति करनी है। मैंने किसी भी पार्टी का कभी भी कोई ये काम नहीं किया है,
मैं तो बस किसानों के लिए पूरी जिंदगी दी है, मान साहब ने पूरी जिंदगी दी है, और रास्ते पे बैठे हुए अनेक भाई मैं जानता हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी किसानों के लिए काम किया है। ये तय दिल से बिल्कुल प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं किसानों के लिए। थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, गलत फहमियां है, वो दूर करके एक अच्छी पॉलिसी कैसी बनाई जाए, ये एक अच्छा मार्ग निकला है सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि ये फार्म लॉस पे करके उन्होंने एक अवसर दिया है कि किसानों के लिए एक अच्छी पॉलिसी बने। मैं ये कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा पंजाब के किसानों को कि उन्होंने पहली बार आजादी के बाद पहली बार एग्रीकल्चर का इशू चर्चा में आया है, उस पर डिस्कशन हो रहा है। नहीं तो अब तक एग्रीकल्चर या फार्मर्स को दे टुक दे नॉट ग्रांटेड। लेकिन अनिल धनवत साहब, अभी मंजिंदर सिरसा जो कह रहे हैं वो मैं आपसे एक बार फिर से साफ करना चाहूंगा कि क्या अनिल धनवत जी खुद को कमेटी से अलग करेंगे? क्योंकि सिरसा जी कह रहे हैं कि अभी तो मान साहब अलग हुए हैं, बाद में धीरे धीरे सब हो जाएंगे। क्या आप कभी अलग होंगे? खुद को इस तरीके से देख रहे हैं आप? जब तक सुप्रीम कोर्ट मुझे अलग होने को नहीं कहता, मैं अलग नहीं होऊंगा। आप इस कमेटी का हिस्सा रहेंगे और आप बातचीत करेंगे किसानों से भी और सरकार से भी, दोनों पक्ष? अनिल जी आवाज मिल रही है आपको? क्या व्यक्ति अनिल धनवट जी से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए बड़ी चीज उन्होंने कही है, मंजिंदर सिरसा जहां एक और कह रहे हैं कि कमेटी से अभी सिर्फ एक नाम वापस हुआ है, धीरे धीरे बाकी नाम वापस हो जाएंगे। तो अनिल धनवट ने सीधे सीधे जी हिंदुस्तान पर उन्हें जवाब दिया है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं कहेगा तब तक मैं कम से कम कमेटी से अलग होने वाला नहीं हूं। और देखिए अक्षय बड़ा बयान उन्होंने ये भी दिया कि हम निश्चित तौर पर किसानों के बीच जाएंगे, उनकी समस्या के समाधान के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी को निष्पक्ष और बखूबी हम निभाएंगे। अगर किसान कमेटी के पास आना नहीं चाहते हैं तो कमेटी किसानों के पास जाएगी, उनसे बातचीत करेगी, उनकी प्रतिक्रिया लेगी, उनकी समस्या क्या है इस बात पर चर्चा होगी, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सामान्य तरीके से सबकी सहमति से समाधान हो, उसकी राह पर यह कमेटी आगे काम करेगी। और निष्पक्षता पर सवाल जो उठा रहे थे उन्हें भी अनिल घनवट साहब ने सीधे सीधे जवाब दिया है कि लोग अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, लोग बोलते रहे, हम किसानी से जुड़े मुद्दों को पहले भी उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, जो बीच में गलतफहमी है उसे दूर करने की भी कोशिश की जाती रहनी चाहिए। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या किसी राजनीतिक दबाव में मान साहब ने अपना नाम वापस लिया है। इस पर कुछ भी कहने से गणवर साहब ने इनकार किया, हो सकता है वो उनका व्यक्तिगत मामला रहा हो और इस वजह से भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। लेकिन ये जरूर साफ किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं कहता तब तक कमेटी का सदस्य बना रहूंगा, मैं अपना नाम वापस नहीं लेने वाला हूं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान से अनिल घनवट ने खास बातचीत की है और साफ तौर पर ये कह दिया है कि देखिए किसानों के हित के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिम्मेदारी दी है बखूबी उसे निभाएंगे। मनिंदर सिंह बेशक ये कह रहे हो कि एक एक करके सभी सदस्य चले जाएंगे लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और देखिए जब भूपेंद्र जी ने भी अपना इस्तीफा दिया है तो साफ तौर पर ये कहा है कि मैं इसके लिए आभारी हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुना, लेकिन तमाम लोग जो उनको लेकर आशंका जता रहे थे, जो लोग किसान ये कह रहे थे कि नहीं वो तो इसका समर्थन कर चुके हैं, तो जहां आशंकाओं को बल मिल रहा था उन आशंकाओं को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, यानी कि अपना नाम भी वापस ले लिया है इस कमेटी से। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या राजनीतिक दबाव लगातार बनाया जा रहा है और क्या इसी दबाव की वजह से भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया है। क्योंकि जैसे ही उनके अलग होने की बात आई आप देखिए कि तुरंत ही मंजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि बाकी लोग भी धीरे धीरे अपना नाम वापस ले लेंगे। हालांकि अनिल घनवट ने यह साफ कर दिया है कि मैं कम से कम अपना नाम वापस लेने वाला नहीं हूं। अब किसान और किसान के बीच ये तीसरा कौन आ चुका है, कौन लगातार किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, ये एक अहम सवाल है। आपको बता दें कि अनिल घनवट महाराष्ट्र के बड़े किसान संगठन यानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं और इस संगठन के साथ लाखों किसान जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि अनिल घनवट साफ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसानों के मुद्दे पर पहले हम सामने नहीं आए हैं इन मुद्दों के साथ, अभी भी हम आते रहे हैं। हालांकि वो बधाई भी दे रहे हैं उन किसानों को जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे कि कम से कम आजादी के बाद पहली बार किसानों के मुद्दे पर बातचीत तो हो रही है।
बच्चे। तो देखिए एक और जहां किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरे हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। नेहा, प्रत्यूष, सुमित, हितेन और अभिषेक इस वक्त मेरठ में पहुंचे हैं जहां किसानों की पंचायत चल रही है। सीधा अभिषेक आपका ही रुख कर रहे हैं, तस्वीर दिखाइए और बताइए जरा क्या प्लानिंग है किसान की। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मेरठ के एक गांव में मौजूद हैं और यहां पर जो किसान भाई हैं वो मौजूद हैं, असली किसान हैं, खेतों में काम करने वाले किसान हैं और अपने खेतों में काम कर रहे थे। मैंने इनसे आग्रह किया तो अभी हमारे साथ यहां पर बैठे हुए हैं। बाबू जी, बिल को लेकर जो चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तमाम बातें हो रही हैं, आपको भी पता है, आपकी क्या राय है इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने वो बिल के उसके वो बनाई है कमेटी, उसको देखना चाहिए भाई क्या कहे हैं वो किसानों को। यो नहीं कि वैसे भी खामो खाई जो वो करो ये करो, उससे तो कोई फायदा है नहीं। तो किसानों की भी बात सुनी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो करा है वो वैसे तो करा नहीं, तो उसका भी देखो भाई क्या है वो क्या नहीं। अब उसमें नहीं मानने का तो अच्छी बात है नहीं। भाजी, आपको लगता है कि किसानों की बात सुनी गई है, निष्पक्ष रूप से सुनी गई है और सरकार और किसान दोनों को एक जगह पर बुलाकर बातचीत करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो एक सही डिसीजन है? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का सही डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना भी ये गलत है, क्योंकि हमारी सर्वोपरि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सबको मानना चाहिए। और उन्होंने जो कमेटी बनाई है, कमेटी में आगे देखो तो सही, मतलब देखो कितना क्या बनाते हैं वे। चार आदमी जो उन्होंने लिए हैं कमेटी में, उसको कह रहे हैं कि ये हमारे पक्ष के नहीं है, विपक्ष के हैं, ये है वो है, ये सब बेकार की बात है। वे कृषि वैज्ञानिक भी है उसमें तजुर्बेकार भी, मतलब उसमें हैं वे चारों आदमी। तो उनमें क्या कमेटी बनाती है, क्या कमेटी में क्या निर्णय होता है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी किसानों के भले के लिए कर रही है, अच्छा कर रही है। ठीक है बाबू जी, आपके पास चले आते हैं। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पर तमाम किसान नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये चार लोग तो पहले से ही कृषि बिल के समर्थन में थे, ये लोग वही हैं जो कृषि बिल के समर्थन में सरकार के सामने बैठते थे और आज यही लोग कमेटी का हिस्सा है, तो ये क्या न्याय दिलाएंगे? जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है ये ऐसा नहीं है कि वो वैसी बना दी, सोच समझ के बनाई है। उसमें सभी तरह के वैज्ञानिक में किसी संबंधित जो जानकार हैं वे भी हैं और जो किसान यूनियन के भी एक आदमी हैं, और जो वो निर्णय लेंगे वो किसान के हित में लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रोक लगाई है किसान हित की में तो लगाई है कि हम लोग किसान इतने दिन से पड़े हैं, तो इसके बारे में समिति किसानों से बात करेगी, सबसे बात करेगी, विशेषज्ञों से बात करेगी कि इस बिल में कोई त्रुटि तो नहीं है, अगर त्रुटि होगी तो उसको संशोधन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको ना मानने, क्योंकि ना मानना तो हमारे लिए भी तो गलत है। किसान ऐसी चीज थोड़ा ही है कि भाई किसान एक चीज को लेकर बिल बैठ जाए कि हम तो चारों बिल तीनों बिल जब तक वापिस नहीं होंगे जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। बिल वापिस होना अलग बात है, संशोधन होना अलग बात है। समिति बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोपरि कोर्ट है, तो उसने जो निर्णय लिया है, कमेटी बनाई है, वो सर्वोपरि सही है और वो सही निर्णय लेंगे। सभी से ही बात करेंगे, किसानों से ही बात करेंगे, विशेषज्ञों से भी बात करेंगे जो इस बिल के संबंधित, जब ये सारी चीज निकल के आएंगे तो बिल्कुल सही होगी। इसको किसान को मानना चाहिए और हम लोगों को, हम भी किसान हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसान नहीं है, अच्छे किसान हैं सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं। तो ये बिल जो है, इस बिल में संशोधन होना चाहिए, ना कि ये बिल कि भाई वापिस लिया जाए। मैं तो इससे संतुष्ट हूँ कि भाई संशोधन होना चाहिए, जो भी अगर इसमें कमी है तो। सही बात है बाबू जी, आपसे पूछ लेते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये बिल वापस होना चाहिए, संशोधन से हमें मतलब नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून बनाया नहीं है, कानून बनाया है संसद ने, सरकार ने, तो सरकार इस पर बातचीत करे, सुप्रीम कोर्ट क्यों बीच में आ रही है? आप सुप्रीम कोर्ट की तो जो है बात माननी है जी, उसके तो जी सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट है जी, वो जी सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। हाँ, माननी चाहिए उसके लिए। जी बाबू जी, आप क्या कहेंगे? तो यही है जी, सुप्रीम कोर्ट को वैसे ही थोड़ी बना दिया है उन्होंने, सोच समझ के तो उन्होंने करा है सारा काम, तो किसानों को मानना चाहिए उनकी बात। ये नहीं कि अड़ जाए एक बात पे कि हम तो यू ऐसी करेंगे ऐसी करेंगे, नहीं, संशोधन करवाओ, कुछ करो, पर ये नहीं अड़ना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। ये तो सुप्रीम कोर्ट कुछ वैसी कोर्ट थोड़ी है, पूरे हिंदुस्तान के सर्वप्रिय कोर्ट है, इसको मानना चाहिए उनकी बात को। कमेटी में जो लोग हैं वे वैसी थोड़ी हैं, वही पढ़े लिखे हैं सब, उन्होंने कानून जाना है, उन्होंने जब ही तो ये करा है, तो
बाबू जी, हम देख रहे हैं आपके यहाँ ट्रैक्टर भी है, तमाम चीजें जो खेतों में खड़ी है, खेतों के लिए काम करती है, किसान अपने लिए काम करता है, जुताई के लिए काम करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ट्रैक्टर हैं जो सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, और उसको लेकर 26 जनवरी की परेड में जाने की बार बार धमकी दी जा रही है सरकार को। देखो ये एक गलत बात है, 26 जनवरी हमारा एक देश का सबसे बड़ा पर्व है, इसको अच्छे से मनाना चाहिए, जैसे सरकार मनाती है हर साल, या हमारा देश मनाता है इसको 26 जनवरी को। ये हमारा वो पर्व है जिसके बारे में हम आलोचना नहीं कर सकते, इसमें सब कुछ होता है, लेकिन ट्रैक्टर की परेड कराना, अगर छोटी मोटी कोई बात हो तो परेड में अगर एक आध दो ट्रैक्टर, चार ट्रैक्टर अगर सरकार उसमें शामिल करना चाहती है, वो एक अलग बात है किसानों के हित में, लेकिन पूरी रैली निकालना, 2,000, 4,000 या 10,000 ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेड़ देने, तो ये तो एक व्यवस्था भी खराब होगी और हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा है। सबसे बड़ी बात है ये आतंकवादियों का मामला है, हमें सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती इतने किसानों को भी, इतने ट्रैक्टरों को, या इतने सारे पूरे तामझाम को। तो ट्रैक्टरों को 26 जनवरी की परेड में ले जाना मैं तो अच्छा नहीं मानता, ये किसानों की गलत बात है, इसको नहीं ले जाना चाहिए किसानों को ट्रैक्टरों में। सही बात है सर, आपसे बाबूजी बात करते हैं कि भाई बार बार ये बातें सामने आ रही हैं कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, हम वहीं राजपथ पर जाएंगे, सरकार की बात, सरकार से हमें जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। देखो ऐसा है जी, जो किसानों के ट्रैक्टर हैं उन्हें तो गन्ने डालने से अपना काम करने से फुर्सत नहीं है, जो वे वहाँ ट्रैक्टर जाएंगे वे किसानों के ट्रैक्टर नहीं है, सब व्यापारियों के ट्रैक्टर है, किसान के ट्रैक्टर को टाइम नहीं है, वो तो गन्ने से चारे से उसे फुर्सत ही नहीं है, वे किसानों का ट्रैक्टर नहीं है जो वहाँ जाएंगे। अभिषेक उनसे पूछिए, अभिषेक उनसे पूछिए कि ये किसान के हित की बात हो रही थी इस आंदोलन के जरिए, 50वें दिन तो ये कुछ और ही हो रहा है, ये राजनीति चल रही है या कुछ और, उन्हें क्या लगता है ये राजनीति हो रही है या फिर किसान सही में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तो कहते हैं कि जो संशोधन का समर्थन करते वो किसान ही नहीं है। देखिए हमारे तमाम सहयोगी कह बाबूजी इस वक्त सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले 50 दिनों से टिके हुए हैं। अभी हमारे सहयोगी हैं हितेन, उनका ये सवाल है कि जो ये आंदोलन शुरू हुआ था जिस मुद्दे से, अब ये आंदोलन न जाने कौन सा रूप ले रहा है और किस मोड़ पर जाके खत्म होगा ये पता नहीं, इस पर आप लोग को क्या विचार है? देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको किसानों के इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, कुछ दूसरी जो, देखिए अब आप ये बात बोल रहे हैं ना कि हाईजैक कर लिया है, तो अब वो वाले किसान कहेंगे कि आप तो फिर किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी हैं, आप कहीं के प्रवक्ता हैं, आप किसान नहीं हैं। नहीं, वहाँ पे हम भी देख रहे हैं टीवी में जो खबरें आ रही हैं या जो वहाँ जो लाइव चल रहा है, तो वहाँ तो वो बिल्कुल किसानों का धरना हमें नहीं लगता, किसान को बरगलाया गया। दर्शकों को पहले परिचय दे दीजिए, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं ना वो बात परिचय देने के बाद अगर आप कहेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। देखिए मेरा नाम अशोक चौहान है और दतावली के सुपुर का ही रहने वाला हूँ और किसान हूँ, और ऐसे नहीं है कि बहुत मतलब वैसे छोटे मोटे नहीं, ठीक ठाक अपना खेती का काम ठीक चल रहा है, लेकिन जो किसानों का वहाँ धरना चल रहा है वहाँ बिल्कुल दूसरे तत्व जो एलिमेंट है, गलत एलिमेंट है, वे घुस चुके हैं और किसान को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, और किसान बेचारा बहुत भोला है, किसान कभी कोई गलत काम नहीं करने के लिए तैयार होगा, नहीं ना कोई छेड़खानी करता है पीछे। अभिषेक मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि राकेश टिकैत जिस तरीके से हर राज्य में जाके प्रभारी चुन रहे हैं, किसानों को अवगत करा रहे हैं कृषि बिल के लिए, तो क्या 26 जनवरी के बाद इनके आसपास के किसानों को बुलाया जाएगा, तो क्या ये भी आंदोलन में आएंगे शामिल होने के लिए? क्योंकि आज ही हमने राकेश टिकैत का बयान सुना है कि हम हर राज्य जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि ये कृषि बिल किस तरीके से गलत है। बिल्कुल 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 सही सवाल किया नेहा आपने, इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। हमारी सहयोगी नेहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, बाबूजी वो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जो है ये कह रहे हैं कि हम पंचायत पंचायत जाएंगे, किसानों से मिलेंगे और इस कृषि बिल के बारे में अवगत कराएंगे और उनको कहेंगे कि आके समर्थन दें, हमारे साथ बैठें, तो अगर आपके पास आएंगे तो आप लोगों के क्या विचार होंगे? नहीं, हम उनसे पूछेंगे, ठीक है वे किसानों के नेता हैं,
हम भी किसान है, चलो हम भी उनको अपना नेता मानते हैं, लेकिन अगर वे हमसे पूछेंगे तो हम ये भी तो कहेंगे भाई इसमें क्या खामी है, बिल में कमी क्या है, उस कमी के बारे में हम भी पूछेंगे, क्योंकि हमें तो कोई खास इसमें कमी ऐसी लगती नहीं कि भाई किसान विरोधी हो। ठीक है, इसमें जो थोड़ा बहुत कुछ कमी है तो वो जैसे पराली की बात है वो भी वे वापस ले रहे हैं, और MSP वाली बात है वो उसमें जो थी कि भाई इसमें कम नहीं खरीदना चाहिए उससे, उसमें भी सरकार ये कह रही है चलो हम लिख के देंगे, तो जो भी इसमें संशोधन हो वो ठीक है, संशोधन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वापिस हो, बिल वापिस हो, तो वो आए तो हम भी उनसे अपनी बात रखेंगे और वे भी हमें अपनी बात बताएंगे, तो हमें पता तो लगेगा कि इस बिल में कमी क्या है, हमें तो लगता नहीं इसमें कोई कमी हो, तो इसलिए उन्हें आना चाहिए और पति तो जब ही तो पता लगेगा, अब तो एक तरफ बैठे हैं, जब ये गांव गांव आएंगे तो गांव वाले अपनी बात बताएंगे तो उन्हें ही पता लगेगा कि भाई बिल में कोई कमी नहीं है। सही बात है भाई साहब, आपके पास आऊंगा कि ये बार बार जो सरकार को धमकी दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी दरकिनार किया जा रहा है, ये कहां तक उचित है जो वहां पर किसान अपने आप को बोल रहे हैं बैठे हुए लोग गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पे? सुप्रीम कोर्ट का तो ये है, उसका तो मानना ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो है हमारे उसमें बहुत बड़ा वो है, तो ऐसा तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की भी तो बात रखनी जरूर चाहिए। हाँ जी प्रत्युष कहिए। छोटा सा सवाल है जी, बोलिए। देखिए प्रत्युष मेरे साथ है, प्रत्युष क्या सवाल था, आपकी आवाज जा रही है आपके, जी बोलिए। अभिषेक जरा इनसे पूछिए, क्योंकि देखिए अब तक बॉर्डर पर बैठे किसानों से तो हमने बहुत सारी बात कर ली, लेकिन जरा इनसे पूछिए कि जो बॉर्डर पर बैठे किसान हैं वो ये कहते हैं कि जो खेत खलिहान में काम कर रहे हैं किसान है ना, जो इस कानून के पक्षधर है, दरअसल में वो बीजेपी के आदमी है, वो सारे के सारे पेड फार्मर्स है, इतना गंदा और संगीन इल्जाम लगाते हैं बाकी किसानों पर, ये क्या जवाब देंगे उनको? देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल अभिषेक आप तक पहुंच रहा है, कि है। सीधे साफ स्वरों में हमारे सहयोगी प्रत्युष ने किसान है वो कहते हैं कि ये बात पूछी है कि भाई जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पर खेतों में वो पेड लोग हैं, आप लोग बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी पार्टी के समर्थन वाले लोग हैं, क्या जवाब देंगे आप? हम पार्टी के नहीं, हम तो सबके हैं, हम किसान हैं, हम पार्टी के आ किसान के, किसान तो किसी पार्टी से ऐसे जुड़ा हुआ नहीं। आपको कृषि बिल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं है, तो आप पार्टी के लोग हैं ऐसा उनका कहना है जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं? गलत है ये तो, हम तो किसान हैं, हम पार्टी से हमारा कोई नहीं, हम बिल के कोई उसमें नहीं है कि भाई बिल उन्होंने गलत क्या करा, गलत होता तो करते ही क्यों, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम किसान है, हम तो किसान की बात सही है पर वो जो बिल है उसमें गलती है उसे कर दो सही, और कोई बात नहीं है ना, हम तो किसान उसके साथ है किसानों के। भाई साहब किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आप? नहीं हम तो पार्टी से ताल्लुक वैसा कोई नहीं है आप, लेकिन नहीं क्योंकि आपको कृषि बिल से दिक्कत नहीं है तो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ऐसा कहना है वहाँ पर बैठे लोगों का? ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, अगर ये बिल किसानों के विरोधी होते या हमारे विरोधी होते तो हम भी विरोध करते इसका, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी किसी को खाने को तो देती नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। और मैं टिकैत साहब से ये पूछना चाहता हूँ खास तौर से कि जब ये धरने पे गए कुछ लोगों को लेकर, तो क्या इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, तो क्या इन्होंने कोई पंचायत की बड़ी कि इस भाई ये धरना हम देने जा रहे हैं आपकी क्या राय है? तो मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, वे चंद लोगों को लेकर वहां चले गए और पूरे किसानों का ठेका ले लिया, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। उनको अगर हम भी मानते हैं किसान नेता है, किसानों की आवाज उठाते हैं, लेकिन किसानों को भी तो विश्वास में लेना चाहिए। तो अभी आपके पास आते हैं, देखिए यहाँ पर राकेश टिकैत से भी तमाम सवाल यहाँ पर जो बैठे किसान है वो पूछना चाहते हैं, आएंगे दोबारा इनके पास, लेकिन लेते हैं इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।